फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज ये आपको ये यहाँ की जो वादियाँ हैं, ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का जो चंबा ज़िला है उसके अंतर्गत ये सुंदर घाटी है। लेकिन मैं इस घाटी के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एक नरसंहार हुआ था, जहाँ पर काफ़ी लोगों को आतंकवादियों ने अपना शिकार बनाया था, निहत्ते लोगों को, तो ये वो स्थान है जो हिमाचल प्रदेश का जो चंबा ज़िला है उसकी जो चुरहा तहसील है उसके अंतर्गत ये जो एक हत्याकांड हुआ था। आपको मैं उस जगह पे ये आज का जो मेरा ब्लॉग है वहाँ से ये मैं आपको ये आज की ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, ये देखो कालाबंद हत्याकांड शहीद स्मारक, स्थापना वर्ष 14 सितंबर 2014 को इसका जो स्थापना की गई थी। और आप इसको थोड़ा मैं और नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, 2 अगस्त 1998 को देखो, सुबह के 3 से 4 बजे के बीच आतंकवादियों ने 35 लोगों को नरसंहार तथा 5 लोगों को बंदी बनाया गया था। इनकी स्मृति में ये जो दोस्तों ये जो आपको ये बोर्ड है ये बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो शहीद स्मारक बनाया गया है। तो जब ये 1998 की बात है दोस्तों, जब आतंकवादियों ने जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो हमारे चुरा घाटी के लोग थे उनको अपना शिकार बनाया था और 35 लोगों को उन्होंने इस जो अपना आतंकवादियों ने अपना शिकार बनाया था। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कालाबंद ये नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। तो ये जो शहीद स्मारक है, यहाँ मैं थोड़ा आपको और थोड़ा पूरा दिखाना चाहूँगा, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। स्थापना जो 14 सितंबर 2014 को, और जो ये हत्याकांड हुआ था इसमें, ये था आज का मेरा ब्लॉग। तो दोस्तों, ये आज का मेरा ब्लॉग इन जो हमारे शहीद हुए हैं हमारे जो इस हत्याकांड में, उनके लिए ये समर्पित है। तो दोस्तों, जो ये मेरा वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक हमारी तरफ से उन हमारे जो ये शहीद हुए हैं इस हत्याकांड में, उनके लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे जो हमारा आने वाला जो अगला ब्लॉग होगा उसमें कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।